गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल सपना टेक में। आज हम बात करेंगे कंसोल मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में, जो मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, इसका यूज क्या है। तो मैं कंसोल मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर रहा हूँ। ये 5.0 वर्जन है। ये कंसोल मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर मेरा ओपन हो गया। इसमें आप देखोगे तो इसमें मॉडल विजर्ड है, जिसमें 2-3 डायमेंशन मॉडल आप बना सकते हो। फिर इसमें मॉडल लाइब्रेरीज है, इसमें आप कंसोल मल्टीफिजिक्स एडीसी, एसीडीसी मॉड्यूल, अकोस्टिक मॉड्यूल, बैटरीज, सीएफडी मॉड्यूल, केमिकल रिएक्शन मॉड्यूल, तो ये सारा इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो इसको यूज कर सकते हैं। ये एक मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कोई भी आप इक्वेशन लगाकर किसी भी तरह की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर में मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूं जो इसमें ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आप इसको देख लीजिए, काफी कंप्लेक्स है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, रिसर्च लेवल में ये यूज होता है। तो हीट एक्सचेंजर को मैं ओपन कर रहा हूं। यहां पे है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। मैं इसमें जो ऑलरेडी एक सिमुलेशन किया उसको मैं ओपन करता हूं। तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर को मैं ओपन किया। ये आप देख सकते हो, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आर कॉमनली यूज इन ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर लार्ज स्केल केमिकल प्रोसेसेस। ये शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। तो इसमें ये कलर दिखा रहा है, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। जैसे हीट एक्सचेंजर एक डिवाइस है जो हीट ट्रांसफर करता है एक फ्लूड से दूसरे फ्लूड में। तो मैं ओपन मॉडल करता हूँ, बना बनाया वो मॉडल है। हम इसको खुद भी इक्वेशन डाल के ऐसा मॉडल बना सकते हैं। स्केल पहले मॉडल डालेंगे, फिर उसकी इक्वेशन डालेंगे, बाउंड्री कंडीशन डालेंगे। ये बना बनाया हमारे पास है, तो मैं वो आपको शो कर रहा हूँ। जैसे मॉडल मेरा ओपन होगा मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कैसे कैसे इक्वेशन डलती हैं। इसके लिए आपको पेपर भी पढ़ने पड़ सकते हैं जो आपको जर्नल्स में मिलेंगे। अच्छे अच्छे जर्नल्स में आप पेपर्स पढ़कर फिर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो रिसर्च लेवल जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, बीटेक एमटेक या पीएचडी में, उनके लिए ये सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिए मेरा हीट एक्सचेंजर का कट सेक्शन ओपन हो गया। अगर आपको स्क्रीन पे ध्यान से देख रहे होंगे, ये कट सेक्शन ओपन हो गया। तो इसमें कंपोनेंट, इसकी डेफिनेशन, कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, इसकी पूरी डेफिनेशन ज्योमेट्री आ जाती है। जैसे वेफल्स पे क्लिक करूंगा तो वेफल्स आ जाएंगी। वेफल्स क्या होता है, जो पार्टीशंस होती है एक तरह की, सिमेट्री। इसकी ज़्यादा इस डिटेल में आप पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, वेफल्स क्या होता है, सिमेट्री। इस हीट एक्सचेंजर को हाफ सेक्शन में डिवाइड कर देंगे तो वो सिमेट्री बन जाता है। इनलेट, वाटर की इनलेट कहाँ से है, ये वाटर की इनलेट होगी, इसको मैं जूम भी कर सकता हूँ। आउटलेट, तो पूरे तरह से ग्राफिक इंटरफेस के ऊपर ये काम करता है। ये आउटलेट होगी, इक्वेशंस इसमें डाली जाती हैं और आपको पूरा सिमुलेशन करके दिखाया गया। ये इनलेट एयर होगी, ये आउटलेट एयर होगी। तो ये ज्योमेट्री, इसके बाद हमारी आती है ज्योमेट्री इंपोर्ट की है, जो हमने इंपोर्ट किससे की है, हम कैड कैम ऑटो कैड से इंपोर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्री। फिर उसके बाद आपके आते हैं मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, एयर, एयर की प्रॉपर्टीज, सारी बेसिक प्रॉपर्टीज। ये देखो एयर की सारी प्रॉपर्टीज, रिलेटिव परमिटिविटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जितने भी मटेरियल हैं, वाटर है तो उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज इसमें डल जाएंगी अपने आप, ये सॉफ्टवेयर अपने आप उठा लेगा। इसमें प्री स्पेसिफाइड वैल्यूज इसमें दी हुई है, वाटर की सारी प्रॉपर्टी डाल रखी है, तभी तो इसको मल्टी फिजिक्स बोलते हैं। किसी भी तरह की फिजिक्स की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर स्टील, ये हीट एक्सचेंजर जिस स्टील का बना है उसकी सारी प्रॉपर्टी डाल रखी है, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये सारा देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ गया टर्बुलेंस, फ्लूड प्रॉपर्टी, ये इक्वेशंस आ गई जो हमें, जैसे फ्लूड फ्लो करता है तो किसी इक्वेशन को फॉलो करता है वो, जैसे वेलोसिटी की इक्वेशन होती है वैसे फ्लूड फ्लो की इक्वेशन है। तो इसमें ये सारी इनिशियल वैल्यूज, इनलेट, आउटलेट, ये सारे डाल सकते हैं। ये आप डिटेल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप देख सकते हो। सॉफ्टवेयर आपको इजीली मिल जाएगा, नेट पे आप चेक कर लेना, सॉफ्टवेयर पे ऊपर काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगी तो आप उसको देख सकते हो। हीट ट्रांसफर फ्लूड्स आ गया, इनिशियल वैल्यूज, थर्मल इंसुलेशन, टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, ये सारा आपको आ गया। इसके बाद इसका यूज क्या है, इसका मैश बना सकते हो। अगर फाइनाइट एलिमेंट मेथड आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा मैश बना के हम इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। और उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स जो आते हैं उससे आप स्टडी कर सकते हो। रिजल्ट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस आएंगी, जैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, ये आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैं टेम्परेचर पे क्लिक कर रहा हूँ तो हीट एक्सचेंजर पे जो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको सारा शो कर देगा।
मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, अब ये कंप्यूट करके ये कंप्यूट करने लग जाएगा। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, मैच के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेता है, लेकिन कंप्यूट करने के बाद ये आपको सारे रिजल्ट दे देगा। कलर्स में शो करेगा, ग्राफिक्स शो करेगा, उसका डाटा भी आप कलेक्ट कर सकते हो, एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम मल्टी फिजिक्स सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी जो मोस्टली मैकेनिकल से डील करती है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर मैकेनिकल का पार्ट है, बट आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल स्ट्रक्चर, किसी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इंजीनियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल सतनाम टेक को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।